강아지देख रहा हूँ ऐसे चालू है। मैडम गेल क्या कर रही हो? मशीन लगा रही हूँ। हैं? अरे पागल है क्यों? आज कोई काम नहीं करना तुमको? क्यों नहीं आती? अरे मैं लगा लेगा ना मशीन। अरे तो क्यों मेरे को क्यों नहीं करना? नहीं नहीं अभी वो चालू हो जाएगी। चल चल मशीन लगाएगी। चल एसी फेल हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही। क्यों मशीन क्यों नहीं लगाने देना है? नहीं आज पता है ना आज तुम्हारे स्पेशल डे है क्या? आज तुमको कोई काम नहीं करने का है, तुम बस बैठ के आराम करो। लो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। क्या लिया? अरे कहाँ गया इतना कुछ क्या लाया है जो निकल ही नहीं? निकालने कोई लाया नहीं, जेब में हाथ फंस गया। ये लो। ओहो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ जी तो आज हमारी धर्म पत्नी जी बीवी जी का जन्मदिन है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है और ये हमारा पहला बर्थडे, शादी के जस्ट एक महीने बाद ही इसका बर्थडे पड़ता है। अच्छा है, याद करने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि शादी की डेट और इसके बर्थडे की डेट सेम है और बस एक महीने का फर्क है ना। कैसा लग रहा है? महीने रुक जाते हैं ना तो मेरे बर्थडे वाले दिन हम शादी कर लेते। हाँ अब लेकिन क्या कर सकते थे, ऐसी प्लानिंग नहीं थी ना, मुहूर्त नहीं थे ना यार इस चक्कर में। और स्पेशल हो जाता मेरा बर्थडे। और स्पेशल हो जाता, ये बात भी है। वैसे हम लोग, मैं बर्थडे अभी नहीं विश कर रहा हूँ, कल रात में हम लोग 12 बजे केक काट के बर्थडे मना चुके हैं, बट वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि ठीक है वो बता फैमिली के बीच का वाली चीज़ है ना, तो फिर इसको ऐसे घूंघट करके केक काटती अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी फ्रीडम थी। इसका सरप्राइज था, सरप्राइज दिया पूरे परिवार ने मिलकर। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा था? बहुत बहुत अच्छा। आज आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा, कहाँ चलना तुम्हें? आज तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा दिन है, आज तुम जहाँ बोलेगी ना मैं वहाँ लेके जाऊंगा। तुम बताओ बताओ कहाँ जाना है? मैं जहाँ बोलूंगी वहीं। हाँ बिल्कुल चलो सलकनपुर चलते हैं। सलकनपुर? हाँ मेरे को लगा ये बोलेगी कहीं पार्टी आर्टी करने चलते हैं। सलकनपुर का बोल रही? सलकनपुर क्यों? माता जी के दर्शन करने। माता जी के? माता जी के दर्शन। गर्मी बहुत हो रही है लेकिन यार है? नहीं हम सफारी से बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सफारी से बहुत घूम चुके हैं। हाँ। और अब हम जाएंगे कार्लोस से। गर्मी देख रही कितना हो रही? शाम में चलेंगे ना। शाम में भी बहुत गर्मी हो रही कार्लोस में। जाएंगे पागल हो रही कार्लोस। हाँ। तू समझ रही इतनी गर्मी में पागल हो जाएगी? और कितना मजा आएगा, बूम 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 इनका मजा आएगा। पक्का? हाँ, पक्का। फाइनल है? फाइनल है। चलो ठीक है तो फिर इनका बर्थडे है तो इनकी विश भी पूरी करना बनती है, तो चलो चलते हैं सलकनपुर। ठीक है चलो चलो। मैंने आपको दिया था? हाँ दोनों मोबाइल रख लिए मैंने। मेरा? अरे हाँ भैया ये रखे हैं दोनों मोबाइल। फिर आपका ये रखा है एक, ये लगा है एक इधर। मम्मी इसको अंदर ले। पांव रख के चढ़ना? नहीं मैं हाथ रख के चढ़ूंगी। बैठ गए आराम से? ठीक है चले। हाँ चल लो तब तक पहुंच जाएंगे। दो घंटे चलो जा रहे हैं ना मम्मी। चले आते हैं ना। चलो जा रहे हैं ना। बूम 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 बूम। ये रह गई रोटी, दे दो जल्दी से, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। ठीक है चले। जय गैया मैया आशीर्वाद। चलो ये धड़ धड़ हो रही है पीछे वाली। चलिए भाई फाइनली हमारी सलकनपुर की राइड यहाँ से शुरू होती है। ठीक है पीछे हमारी बद्दू बद्दी बेटी है। ठीक है हाँ, ना बद्दू बद्दू। और ऐसा सिस्टम बैठाया हमने कि अभी जो हमने नया माइक लिया था तो एक माइक वहाँ हमने लगा दिया है। ठीक है बद्दू बद्दी जी को, और उसका रिसीवर मैंने लगा दिया है यहाँ पर अपने आईफोन में, और आईफोन से मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा सो दैट कि वो जब भी कुछ बोलेगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था तो उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो वो वॉइस उसकी अच्छे से आए उसके लिए हमने ये सिस्टम बैठाया है। चलो अब जरा चला जाए। राइट सो भाई अभी बज रहे हैं 4। ठीक है और ऐसी खतरनाक लपट लग रही है ना, ऐसी खतरनाक लपट लग रही है ना, ऐसी खतरनाक, ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू आग लगी हो और हम उस आग में से ऐसे निकल के जा रहे हो भाई, इतनी खतरनाक लपट। और ऐसे मोबाइल पे डायरेक्ट स्क्रीन पे पता नहीं पड़ रही है तो कैसा लग रहा होगा कैसा नहीं आई डोंट नो, बट बहुत खतरनाक गर्मी है भाई। देख तो ये मेरी वाइफ मतलब सैंडल पहन के आ गई तो उसके पाँव अलग बहुत तगड़े में जल रहे हैं, क्योंकि मेरी ये उंगलियाँ जल रही हैं तो उसके पाँव तो बहुत तगड़े में जल रहे होंगे। अब क्या कर सकते, मैडम को जूता पहनने के आने चाहिए तो पहनी नहीं, वो तो हेलमेट ही मैंने बड़ी मुश्किल से पहनाया उसको, तो हेलमेट भी नहीं पहन रही थी वो, क्या कर रहे हैं। चलो इन जरा शहर के गर्म लपट से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो शायद हाईवे पर थोड़ी कम लपट लगेगी, तो इन गर्मियों की गर्मी की वजह से और ज़्यादा गाड़ियों की गर्मी की वजह से और ज़्यादा लगती है। अरे रे बहुत तेज गर्मी है रे। फाइनली भैया लोग पहुंच गए मंडीदीप। ये बोर्ड दिख रहा है अमिताभ बच्चन वाला? हाँ। इसके यहाँ पर नीचे जो है ना यहाँ पर रहता है मोनू। हाँ मतलब ये घर में नहीं रहता, इस वाले में एक रोड जाएगी इधर ऐसे, वो वाले पीछे निकल गई शायद। पीछे कॉलोनी में रहते होंगे? नहीं नहीं रोड पे ही है। अकेले रहते हैं? अकेला क्यों रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा ना अपनी, पैर चिकराएगा ज्यादा। मोजे इसलिए बोल रहा, अभी भी बोल रहा हूँ मोजे दे दूँ क्या अपने? हाँ दे दो। पक्का? तो पति के पैर चिकेंगे अच्छा लगेगा तुमको? कोई नहीं बस अभी यहाँ से अपन निकलेंगे ना तो अब्दुल्लागंज क्या जब कट जाएंगे ना तब तो वो जंगल वाला एरिया आ जाएगा, तब छा हो जाएगी, तब तक थोड़ा और ये थोड़ा तुम्हारे लिए लगेगा एक्सपीरियंस, समझ रही हो? अच्छा खासा बर्थडे बन रहा है मेरा। अच्छा बर्थडे बन रहा है ना? वही तो खुदा का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि ऐसा बर्थडे बन रहा है तुम्हारा। वही तो। हेलमेट पहन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा
क्योंकि जिस हिसाब से पैर पे धूप लग रही है ना, मुझे लग रहा है हेलमेट ही सही है। हेलमेट सही है, उसको देख, उसको देख। बाप रे, वो कल कान बंद करके बैठा है। अब हेलमेट की अहमियत समझ में आ रही है, इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है। और ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में जा रहे हो यार, क्या गर्मी है यार। एक तो गोप्रो और ये सब हीट होने लग गए, मोबाइल भी हीट हो रहा है। गर्म नहीं हो जाएंगे ये? होते हैं ना, गर्म होते हैं। बता दो ना अभी। अरे अपन आप निकल रहे हैं भाई यहाँ से, अब थोड़ा अच्छे एरिया में पहुँच के कहीं में फिर बात करेंगे, ठीक है? बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज हवा हो जाएगी। नहीं, अब उसको गर्मी में काम नहीं करना होगा। उसको बोल रहा हूँ 5 रुपए के लिए क्या उठूंगा मैं, क्या। चलो देखते हैं कहीं और कोई हवा भर देता हूँ। राइट सो चलो भाई, जंगल वाला जो सेक्शन है अब चालू हो चुका है। यहाँ से अब हमें वन लेनी मिलने वाला, यानी कि एक ही रास्ता। तो ये अब थोड़ा क्या है, बाघ वाले एरिया में हम आ गए हैं, यानी कि फॉरेस्ट एरिया लग चुका है यहाँ से। अब यहाँ से अराउंड आधा पौन घंटा और लगेगा हमको सलकनपुर पहुँचने में। वो कितना प्यारा लग रहा है यार बीच में फोटो खींचने के लिए, बट गर्मी सच में बहुत खतरनाक है भाई, लिटरली बहुत खतरनाक है। All the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. Sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calming, the night is young. So if I lay down, will you come? हाँ जी, तो अभी हम वन वे से टू वे में आ गए हैं। अभी मैं यहाँ मी मोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कसम खुदा की बोल रहा हूँ भाई। मतलब ये सब देखने में आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा, अभी आप लोग मी मोड देख रहे होंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमारी ऐसी धुपधुपी हो रही होती क्योंकि हमारे 50,000 रुपये कीमत की चीज़ को हम ऐसे रिस्क पे लगाते हैं। देखो जरा वो कैसे हिल रहा, यूं। मेरी तो ये फट रही कहीं है, कुछ होना जाए या कुछ करना जाए भाई, ऐसी लुपलुपी होती है। सोचो आप लोगों को जस्ट थोड़े से चंद कुछ अच्छे व्यूज दिखाने के चक्कर में ऐसा हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे ये दिख रहा है, अरे रे रे रे, तो ये बहुत हिल रहा है। तो जब जी ज़्यादा हिलता है ना, मेरी बहुत फटती क्योंकि आगे से कहीं चटक चुटक ना जाए भाई। देख रहा हूँ इफर्ट है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ इफर्ट कैसा होता है, अब आप लोगों को ब्लॉगिंग दिखाने के चक्कर में, ठीक है, अगर और ज़्यादा एंटरटेन करने के चक्कर में तो क्या होता है, मैं चाहूँ तो गोप्रो से भी ब्लॉग कर सकता हूँ, ठीक है, सफिशियंट है, सामान आराम से काम हो जाएगा। बट मैं इंस्टा 360 से करता हूँ, सुधर फ्रंट व्यू है और मेरी वाइफ की भी आवाज़ आए, इसलिए मैंने अपना ये होली लैंड का मार्क टू माइक उसको लगा के रखा, जो भी रिस्क पे क्योंकि वो कॉलर पे मैग्नेटिक लगा हुआ है। और यहाँ से मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ चालू, उसको रिकॉर्ड करता हूँ चालू, इसको रिकॉर्ड करता चाहूँ, फिर दोनों को सिंक करता हूँ और तब जाके आपके सामने फाइनल फुटेज आती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो का थोड़ा सा भी इफर्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपके सब्सक्राइब करने से ही हमको और मोटिवेशन मिलता ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे इफर्ट दिखा पाए, समझे। चलो भाई अब सलकनपुर की चढ़ाई चढ़े। यहाँ पे पर्ची कटाओ 10 रुपए की। मंदिर कब तक खुला रहता है? 8 बजे। 8 बजे ना, अभी तो बहुत टाइम है। 10 रुपए
इसको रख लो। चलिए भाई यहाँ से शलकनपुर का रास्ता शुरू। अब ये वाला रास्ता थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है। क्या कैसा लग रहा है फाइनली शलकनपुर पहुँचने वाले? बहुत अच्छा, तपस्या पूरी हुई, पैर जल गए मेरे, बिना चढ़ाई किए पैर जल गए। नेक्स्ट टाइम से लेकिन याद रखना, जब भी बाइक पे सफर कर रहा हो तो अपने शूज होने चाहिए। शूज अगर वहाँ रखे हो तो ले आना, ठीक है? नहीं रखे हो तो अपन ले लेंगे। शलकनपुर की चढ़ाई भी भाई मस्त, एक नंबर चढ़ाई है, एक नंबर। हमको तो पता, ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। कैमरे से मतलब लोगों से बात कर रहा है, इट्स नॉट अ कैमरा। ये दिखने में कैमरा है बट इसके पीछे हमारी पब्लिक है, समझी? हाँ। ओहो, टर्न 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 टर्न, पता है टर्न पे गाड़ी चलाने का मजा ही अलग आता। ऐसे पचमढ़ी में कितने सारे, अरे लेकिन पता है चक्कर भी आ जाते हैं। पचमढ़ी चलेंगे अपन, बरसात थोड़ी गर्मी खत्म हो जाए ना तो अपन पचमढ़ी चलेंगे। लद्दाख अभी कहाँ जा रहा है, सितंबर में जाएंगे ना लद्दाख? मामू बना रहा हूँ उसको, बताना मत। लद्दाख जाने का सपना दिखाया मैंने उसको, इसलिए शांत बैठी है। अब इतनी गर्मी में कहाँ घुमाने ले जाऊँ भाई मैं, मेरे खुद के पसीने छूट रहा है। वो देखो खाई, इसे खाई दिखाता रहा। वो देखो खाई, आई, खाई। वो देखो सामने मंदिर, जय माता दी। क्या माता? पीछे बैठने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, बस पैरों में जलन हुई। हाँ वो पैरों में जलन तो होगी। दो ट्रैक्टर चल रहा भाई, गेहूँ चढ़ा के, वो भी गेहूँ है रेते। रेत रेत, चढ़ाई में चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। ओहो देख रही हो तुम, देख लो, मैं तो सामने देख पाऊंगा। पानी पानी है, पानी पानी, पानी पीना है? नहीं वहाँ पानी। अच्छा वहाँ वो नदी है। और बाप रे ये टर्न देखो भाई, बिल्कुल एकदम का सटीक टर्न है। यहाँ से वो ट्रॉली कैसे चढ़ेगी? ट्रॉली धीरे धीरे चढ़ाएगा, और क्या, वो गेहूँ पलट जाएंगे। गेहूँ नहीं है, रेत है वो। हाँ रेत थी वो, आंटी रेत पे बैठी है। हाँ रेत पे तो बैठे। ओहो लेला था मजनू, आपने मुझे कभी ऐसे नहीं घुमाया शादी से पहले। जरूरत नहीं है ऐसा लेला मजनू छपरियों की तरह घूमने की। अब जाके 5:30 बजे थोड़ा सूरज देखता है, प्रकोप थोड़ा कम हुआ है क्या? नहीं अंकल यहाँ नहीं लगानी हमको। ऐसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, यहाँ सीढ़ी चढ़ जाओ फिर वहाँ चले जाओ फिर वहाँ चले जाओ, आगे जाओ आगे लगाओ और आगे से जाओ। अब ये भाई साहब देखो बीच में गाड़ी चला रहा है, इसकी टांग बाप का रोड है उनके। हम भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। ओ ये क्या रेत का रेगिस्तान, अरे तुम क्या हेलमेट ठोक रही हो यार। चलो भाई फाइनली पहुंच गए। ऑलराइट सो फाइनली देवी जी के द्वार पहुंच गए, सब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। टैटू बनवाना है, टैटू टैटू की दुकान देख रहा हूँ। लोगों को ये जो समझाते हैं इन्हीं टैटू आर्टिस्ट लोगों से बच के रहें, ये टैटू आर्टिस्ट दिखाएंगे कुछ और, बनाएंगे कुछ और। एक बार दिखा दो, अरे एक बार एक बार एक बार देखो इसकी ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग, बाप रे क्या ट्रेनिंग है। जय माता रानी। बहुत लिटरली लेकिन क्या खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। यहाँ से अंदर जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। फोटो शूट चल रहा है भैया, रुक जा। अरे बस कर भाई, हैंग हो गया वो। चला जय माता रानी, जय जय शलकनपुर वाली माता रानी। ये है भाई हमारे यहाँ की शलकनपुर वाली माता, ये नहीं चाहिए। चलो चलते हैं, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखें इधर से। हाँ जी, तो फाइनल शलकनपुर वाली माता का दर्शन भी हो गए, आशीर्वाद भी अच्छे से मिल गए और सब भला चंगा। तो कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा, बाइक का राइड अच्छी लगी? हाँ। दोबारा आओगी? आऊंगी, बट धूप में नहीं आऊंगी। धूप तो बहुत बेकार है, सच्ची में धूप बहुत बेकार है। मैंने सोचा था कि ड्रोन लेके आऊंगा और फिर यहाँ से मैं ड्रोन शॉट लूंगा, बट मैं इसलिए नहीं लेके आया ड्रोन, सो दैट कि पता नहीं है भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पता चले पंडित जी या मंदिर परिषद कुछ बोल बाल दे। बट यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। अगर ड्रोन होता तो अलग ही बात होती, बट ड्रोन नहीं है तो इतनी हाइट से व्यू देखो। देख रहे हो व्यू कितना शानदार है यहाँ का सनसेट के साथ में। चलो माता जी के दर्शन हो गए, अब थोड़ी देर माता जी के पास बैठेंगे और देन आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो रात में इसको 12 बजे सरप्राइज दिया, मस्त केक कटा, फिर सुबह आ गए हम लोग वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी कह रहा हूँ, बार बार वैष्णो देवी निकल रहा है, शलकनपुर माता मंदिर। अभी कुछ दिनों पहले का इंसिडेंस था, एक हफ्ते पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पर दुकानों में आग लग गई है भाई। अभी तो सब सही लग रहा है, मेरे को मेरा ड्रोन बहुत याद आ रहा है, काश ड्रोन होता तो ये क्या नज़ारा होता। उज्जैन में महाकाल लोग बनाए, वैसे अब यहाँ पर शलकनपुर में देवी लोग बन रहा है, पूरा देवी लोग की तैयारी चल रही है ये पूरी। ऑलराइट, तो चलिए घर जाने का वक्त हो गया और
अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, यहीं पर एंड एंड आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा, और यही मनोरंजन ब्लॉग देखने के सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई खाने के साथ, कुछ नए किसी के साथ। तब तक लेकर बाय बाय, सी यू।